नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं पार्टी की तरफ से देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 75 वर्षीय सोनिया गांधी को पहले भी 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्हें 23 जून के लिए समन जारी किया गया था। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष को 23 जून के लिए दूसरा समन जारी किया था, लेकिन वह उस तारीख पर पेश नहीं हो सकें। उस वक्त कोरोना और फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी।